के सामने सिर्फ इंसान ही नहीं बेजुबा जानवर को भी नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसा ही एक हादसा गुरुवार की दोपहर 1 बजे के लगभग खापरखेड़ा थाना अंतर्गत वलनी बस्ती में शिवार पर एक छोटे तालाब के किनारे पीपल के पेड़ पर बैठे बंदरों के साथ हुआ है, जिसमें अकस्मात आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है 9 बंदर बारिश तथा बिजली के गड़गड़ाहट के चलते एक ही पेड़ पर बैठे थे। बिजली के पेड़ पर गिरते ही सभी बंदर पेड़ के इर्द गिर्द गिर पड़े। मरने वाले बंदर में एक नर तथा 8 मादाएं थी। एक मादा के साथ लपेटे हुए एक नन्हा बंदर का बच्चा भी इस मौत के आगोश में समा गया। दूसरी घटना भी वलनी बस्ती के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के कलश पर बिजली गिरने से मंदिर के लाइट समेत वायरिंग जल गई तथा स्लैब में हल्की दरार पड़ गई है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामस्थ घटनास्थल पहुंचे तथा इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई है। सावनेर वन अधिकारी आठवले ने जवाब में बताया बंदर मर चुके हैं, उन्हें दफना दे, जिंदा होते तो विभाग कुछ कर सकता था, ग्राम पंचायत दफना देगी। नागपुर CCF ऑफिसर काले से संपर्क करने पर उन्होंने बताया वन विभाग के अधिकारी आकर पंचनामा कर समीप के वन विभाग की जगह पर उन्हें दफनाया जाएगा। वन विभाग अधिकारी तथा खापरखेड़ा पुलिस के समक्ष बंदरों को दफनाया गया। इस रवैये को लेकर ग्रामस्थ में वन विभाग के प्रति रोष प्रकट किया गया है। खापरखेड़ा से कैमरा पर्सन आशीष राउत के साथ दिलीप गजबी और अरुण महाजन की रिपोर्ट।